अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। लास्ट वीडियो में हमने डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के ऊपर मल्टीपल अल्फाबेट्स डिस्प्ले किए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम टेक्स्ट को मूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्क्रॉल टेक्स्ट ऑन डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 3 डिजिट डिस्प्ले किए थे, ए, बी और सी। आज की वीडियो में हम क्यू तक अल्फाबेट्स डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए, हम ये फर्स्ट रो का कोड है, ये सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव और सिक्स। आज की वीडियो में जो हम कोड यूज़ करेंगे वो हम 6 रो का यूज़ करेंगे। ये देखिए, अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखी है तो ये डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के ऊपर देखिए हमने फर्स्ट और एंड की जो दो लाइन थी ये एम्प्टी छोड़ी थी और बाकी के ऊपर हमने अपना कोड डिस्प्ले किया था, इसलिए फर्स्ट और 7 और 8 ये हमने इस वीडियो में यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट करेक्टर के लिए उसको यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6 हेक्स कोड है। ये देखिए, तमाम कोड मैंने लिखे हुए हैं, ए, बी, सी, डी, एफ और ये क्यू तक। इनको बारी बारी हम डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले को सेंड करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, लेकिन इसमें भी हमारा जो कॉलम का कोड होगा वो सेम रहेगा। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, लेकिन इसमें हम 7 और 8 इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि 7 और 8 के ऊपर हमारा नेक्स्ट डिजिट आना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसमें 7 और 8 का जो कोड होगा वो अभी हमें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो रो का डाटा होगा उसमें हम सिर्फ 6 डिजिट या 6 हेक्स कोड यूज़ करेंगे। ये देखिए, सर्कल डायग्राम है, सेम लास्ट वीडियो जैसी है। डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है, ये ULN लगा हुआ है इसके साथ। करंट लिमिटिंग के लिए रजिस्टर लगाई गई है 8 एंडोटोम की, 18 और 19 पे क्रिस्टर है, 30 PF का कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया गया है और पिन नंबर 9 पे ये रीसेट सर्किट है। ये कॉलम का डाटा यहाँ से सेंड करेंगे और P1 से हम रो का डाटा सेंड करेंगे। ये इसके स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम लास्ट वीडियो जैसी है। तो चलिए इसका सर्किट हम पहले प्रोटीस में बनाते हैं, उसके बाद इसके कोड केल में लिख के इसको टेस्ट करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड, हमारा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए इसका कोड केएल में लिखते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, केएल का मेन पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। ये कोड मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये सबसे ऊपर 8051 की हेडर फाइल है, ये N64 ये कॉलम का डाटा है। इसके अंदर 8 हेक्स कोड है। उसके नीचे N64 रो का डाटा है, इसके अंदर 102 हेक्स कोड है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल 102 बनेंगे। ये ABCD और ये Q तक का ये कोड है। उसके नीचे हमने एक डिले का फंक्शन डिफाइन किया गया है। डिले के फंक्शन के बाद ये कुछ वेरिएबल हैं जो हम अपने कोड में यूज़ करेंगे, IJKLM। ये तमाम वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं। इसके नीचे यहाँ से मेन कोड स्टार्ट होगा। मेन कोड में सबसे पहले हम वेरिएबल को IOJ को ज़ीरो करेंगे, उसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो होगी। यह वाइल वन के अंदर जो भी कोड होगा वो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। ये देखिए, ये सबसे पहले M को हमने ज़ीरो किया, M के अंदर 20 की वैल्यू सेंड की है। ये नेक्स्ट डिजिट के लिए का स्टेप है। उसके बाद ये 4i, ये नेक्स्ट कॉलम का कोड है। ये इंक्रीमेंट होगा, आई की इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, आई जो है लेस देन 8 है। ये आई को यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे, उसको कॉलम के अंदर सेंड करके P1 को सेंड कर देंगे। उसके नीचे रो के अंदर आएगा, जे के अंदर जो वैल्यू होगी वो रो के अंदर आ जाएगी, और जे के अंदर इनिशियल वैल्यू जो सी है वो ज़ीरो है। इफ़ जे की वैल्यू 102 है तो उसको ज़ीरो कर देगा, अदरवाइज उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा। जे के एल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको जे में डाल देगा। इफ़ एल 102 है तो उसको ज़ीरो कर देगा, एल को इंक्रीमेंट करेगा, और जे को एल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको जे के अंदर डाल देगा। उसके नीचे ये डिले का फंक्शन है। डिले के अंदर ये हम दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, फोर लूप के अंदर यूज़ करके उसको डिले जनरेट किया गया। ये सेम लास्ट वीडियो की तरह कोड है, लेकिन अभी हमने इसके अंदर एक फोर लूप कम की है। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं। ये ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग, हेक्स फाइल जनरेट करेंगे इसकी। ये देखिए, हेक्स फाइल जनरेट हो गई है। चलिए इसको आप अपने प्रोटेस के सर्कल में डालते हैं। कंट्रोलर पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हेक्स फाइल का पाथ बताएंगे। रन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। ये अगर आप इसकी स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम 15 कर देंगे यहाँ से इसकी वैल्यू, तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। इसको स्टॉप करेंगे,
देख सकते हैं अब टेक्स्ट की स्पीड तेज़ हो गई है, ये कंटिन्यूसली स्कोर होता रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।